कहाँ जा रही हूँ? अभी तो बहुत सारा काम बचा है, इतना चल प्लीज गद्दे लगाने हैं। अभी कहाँ? अभी बहुत कुछ बाकी है, वहाँ फ्रूट रखे हैं, वो भी लेते आओ प्लीज। बस अब हो गया। बेटा आज तेरा जाने का टाइम आ गया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। हाँ राजा प्लीज, I'm really sorry, मैं तुम्हारा कभी नहीं करूंगी राजा प्लीज। तीन बट्टी 100 साल की कट्टी। मम्मी तू जितना सबको एक करने की कोशिश करेगी आसमा, मैं उतना ही तुझे सबसे दूर कर दूंगी। मम्मी चल। कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल उडारिया के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। हाय गाइस, मैं हूं जानवी, वेलकम करती हूं आपका चैनल की तरफ से। जिस तरीके से सीरियल उडारिया में हम देख रहे हैं कि जो आलिया है वो आसमा के साथ उतर जाती है और भी ज्यादा बदतमीजी पर, तो यहाँ पर आलिया पहले तो आसमा का मुंह बंद करती है और जब घरवाले गेट तोड़कर अंदर घुसते हैं तो ये प्रटेंड करती है कि आसमा ने मुझे दबोचा हुआ था, आसमा की वजह से मेरे माथे पर भी चोट लग गई। आलिया एकदम से गिर जाती है नीचे जमीन पर और एकदम बेचारी लाचारी वाला फील देती है घर वालों को। राजा तो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाता है। राजा क्या करता है, आसमा के ऊपर पत्थर उठाकर फेंक देता है और आसमा एकदम खूना खून हो जाती है कि उसके माथे पर चोट लग जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ राजा जो है वो इतना ज्यादा आलिया के साथ इन्वॉल्व हो चुका है, आलिया उसके दिमाग के साथ इतना खेल चुकी है कि अब वो आलिया के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जर्मान है आलिया से कहता है कि तुम ये सब जानकर कर रही हो ना, राजा की चोट लग जाती या कुछ हो जाता तो क्या होता, तुमने ही राजा के साथ मंदिर जाने की बात करी थी ना। तो आलिया चिल्लाने लगती है, अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं जब जानती हूँ कि राजा जो है वो बाइक चलाना जानता ही नहीं है। वो देवी माँ के पास जाकर खड़ी हो जाती है, उनके कसम उसमें खाना शुरू कर देती है। अरमान कहता है ठीक है ड्रामा रहने दो, मैं तो तुम्हें जानता ही हूँ तुम कैसी हो, पर तुम इतनी गिर जाओगी मुझे नहीं पता था। अब आने वाले एपिसोड में यही ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाला है, जिस तरीके से अरमान और बाकी घर वालों का पागल बनाएगी आलिया और आसमा को जो है उसे भी दोषी साबित करेगी। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।